नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, यूपी टेट 2018 के रजिस्ट्रेशन में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा 44,135 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों, इन आवेदनों के निरस्त होने के क्या कारण है पूरा देखेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहिए करियर बीट के इस चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बीट के इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, प्राइमरी लेवल में निरस्त किए गए आवेदनों की संख्या है 34,455, और वहीं मैं बात करूं अपर प्राइमरी में तो अपर प्राइमरी में टोटल निरस्त हुए आवेदनों की संख्या है 9,680। अब इन आवेदनों को निरस्त करने के पीछे परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने दो तरीके के तर्क दिए हैं। पहला आवेदन उन अभ्यर्थियों का निरस्त किया गया है जिन्होंने एक से अधिक आवेदन किए थे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यूपी टेट 2018 में करेक्शन के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था, तो यदि किसी भी कैंडिडेट का कोई भी छोटी गलती हो जाती थी तो उसे मजबूरीवश दूसरा आवेदन करना होता था। दोस्तों, ऐसे ही आवेदन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं, और किसी कैंडिडेट ने मान लीजिए कि दो आवेदन किए होंगे तो लास्ट वाला आवेदन जिस पे उन्होंने फ़ी पेमेंट किया होगा वो एक्सेप्ट होगा और उसके पहले के सभी रजिस्ट्रेशन उसके कैंसिल हो जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद से परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने यह भी जानकारी दी कि ऐसे कैंडिडेट जो न्यूनतम अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं उनके भी आवेदन निरस्त किए गए हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि बीएलएड कोर्स जो होता है 4 वर्षीय, उसको प्राइमरी में मिनिमम क्राइटेरिया इंटरमीडिएट में 50% पाना अनिवार्य होता है और कैटेगरी के लिए 45% पाना अनिवार्य होता है, उसके बाद ही वह यूपी टेट 2018 का फॉर्म भर सकता था। लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थियों ने इस मिनिमम क्राइटेरिया को ध्यान में ना रखते हुए भी फॉर्म सबमिट कर दिया था और उन्हीं कैंडिडेट्स के फॉर्म कैंसिल किए गए हैं। दोस्तों, ये शैक्षिक अर्हता बीएड बीटीसी सब पर लागू होती है और विभिन्न स्तर के फॉर्म भरने के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता तय की गई थी, अगर कोई भी कैंडिडेट उसमें फुलफिल नहीं करता है उस मिनिमम क्राइटेरिया को, तो उसके आवेदन निरस्त हो गए हैं। दोस्तों, अब ऐसे अभ्यर्थी जिनके फॉर्म डबल होने की वजह से निरस्त किए गए हैं उनकी संख्या लगभग लगभग 29,000 समथिंग, यानी 30,000 के आसपास है। दोस्तों, इसी के संदर्भ में पेपर में एक आर्टिकल निकली हुई थी, अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करते हुए आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये अपडेट पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और बने रहिए करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।